ग्राउंड पे स्टैंड है तो लेट सपोज दिस इज आवर ग्राउंड और इस पे दो पोल हैं जो एक पोल है एक पोल है जिसकी हाइट है 15 मीटर लेट सपोज दिस इज द पोल ऑफ हाइट 15 मीटर इसकी हाइट है 15 मीटर और एक अनदर पोल है जिसकी हाइट है 10 मीटर तो ये मैंने लेट सपोज कर लिया कि इस पोल की हाइट है टेन मीटर ये है फिफ्टीन मीटर और ये है टेन मीटर और हमें यहाँ दे रखा है कि जो इफ द डिस्टेंस बिटवीन द टॉप्स इज थर्टीन मीटर ये दोनों पोल इनके जो टॉप हैं इसका टॉप ये है और इसका टॉप ये इनके बीच की जो डिस्टेंस है वो है थर्टीन सेंटीमीटर तो मैं जब इनके टॉप को मिलाऊंगा तो ये तो बेसिकली जो ये डिस्टेंस है ये मुझे दे रखी है थर्टीन मीटर ये है थर्टीन मीटर तो अब यहाँ पे बेसिकली फाइंड करनी है द डिस्टेंस बिटवीन देयर फीट तो ये डिस्टेंस फाइंड करनी है ये ये डिस्टेंस लेट सपोज ये डिस्टेंस एक्स है अब जब यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस 10 मीटर है तो मैं इसके पैरेलल एक लाइन खींचूंगा ये तो जब मैं ये एक पैरल लाइन खींचूंगा तो यहाँ से यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस है ये भी 10 मीटर ही होगी ये डिस्टेंस ये भी 10 मीटर ही होगी जब ये 10 मीटर है और ये पूरी डिस्टेंस 15 मीटर की है तो 15 माइनस टेन तो ये डिस्टेंस 5 मीटर की हो जाएगी ये वाली डिस्टेंस तो मैं यहाँ पे एज्यूम कर लूँगा ये पॉइंट ए है ये पॉइंट बी है ये पॉइंट सी है ये पॉइंट डी है ये पॉइंट ई e है तो यहाँ पे क्या करूँगा मैं जब यहाँ पे बेसिकली इसको डेफिनेशन में लिखूँगा तो जो ए -E की वैल्यू है ए ई -E की वैल्यू है वो मैं कैसे फाइंड कर सकता हूँ ए ई -E की वैल्यू दे रखी है मुझे फिफ्टीन तो इक्वल टू -E क्या होगा ए डी प्लस डी तो जब मैं यहाँ पे ए ई के वैल्यू पुट करूंगा जो दे रखी है फिफ्टीन मीटर ए डी इसकी वैल्यू दे रखी है टेन मीटर और डी ई इसकी वैल्यू मुझे यहाँ पे फाइंड करनी है तो जो डी ई है वो बेसिकली कितना हो जाएगा डी ई इक्वल टू हो जाएगा टेन फिफ्टीन माइनस टेन है, ये लेफ्ट हैंड साइड में चला जाएगा तो फिफ्टीन माइनस टेन फाइव मीटर का हो जाएगा ये डी ई अब यहाँ पे डी ई हो गया फाइव मीटर ई सी हो गया थर्टीन मीटर तो मुझे यहाँ पे इनके फीट के बीच की डिस्टेंस फाइंड करनी है जो ए बी मैंने यहाँ पे एज्यूम करनी है एक्स तो जब ये एक्स है तो ये डिस्टेंस भी एक्स ही होगी तो ये भी एक्स होगी तो मुझे ये फाइंड करनी है एक्स तो यहाँ पे मैं देख सकता हूँ कि जो ट्राइंगल ई डी है ई डी सी है ये एक राइट एंगल ट्राइंगल है तो ट्राइंगल ई डी सी इज राइट एंगल ट्राइंगल राइट एंगल ट्राइंगल सो बाई यूजिंग बाई यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम जब मैं यहाँ पे पाइथोगस थ्योरम यूज करूँगा पाथोपोरस थोरम तो पाइथोगस थ्योरम होती क्या है बेसिकली कि अगर कोई मुझे राइट एंगल ट्राइंगल दे रखा है लेट सपोज ये राइट एंगल ट्राइंगल दे रखा है तो इस ट्राइंगल में ये ट्राइंगल दे रखा है सपोज डी सी डी सी ई ये डी सी ई राइट एंगल ट्राइंगल तो इसमें जो 90 डिग्री एंगल के सामने की जो साइड होती है इसे बोलते हैं हाइपोटिनस और ये बेसिकली होता है बेस और ये हो गया परपेंडिकुलर तो पेंडिकुलर तो पाइथागोरस थ्योरम क्या कहती है पैथोग अगर कोई राइट एंगल ट्राइंगल दे रखा है तो उसमें जो हाइपोटिनस का स्क्वायर होता है वो बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर के स्क्वायर के इक्वल होता है अब यही हमें यही ट्राइंगल सेम ट्राइंगल है ई डी सी ई ये दे रखा है बड़ा वाला ट्राइंगल इसी का मैंने एक प्रोटोटाइप लिया यहाँ पे तो जब मैं इसका देखूंगा डायगोनल कितना है यानी कि हाइपोटेनस है ई सी है थर्टीन मीटर तो मैं इसकी वैल्यू पुट करूंगा दैट इज थर्टीन स्क्वायर इक्वल टू बेस यहाँ पे मैंने एज्यूम करा है तो इसकी वैल्यू करूंगा एक्स स्क्वायर प्लस पर पेंडिकुलर कितना का फाइव मीटर तो इसका करूँगा फाइव स्क्वायर तो थर्टीन स्क्वायर होता है वन सिक्सटी नाइन इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस फाइव स्क्वायर होता है ट्वेंटी फाइव जब ट्वेंटी फाइव को लेफ्ट हैंड साइड में लेके आऊँगा तो ये माइनस का हो जाएगा तो बेसिकली एक्स स्क्वायर इक्वल टू हो जाएगा वन सिक्सटी नाइन माइनस ट्वेंटी फाइव तो जब वन सिक्सटी नाइन में से ट्वेंटी फाइव सब्ट करूँगा तो एक्स स्क्वायर इक्वल टू हो जाएगा वन फोर्टी फोर तो यहाँ पे एक्स हो जाएगा स्क्वायर रूट ऑफ वन फोर्टी फोर तो स्क्वायर रूट ऑफ वन फोर्टी फोर को मैं यहाँ पे ऐसे लिख सकता हूँ स्क्वायर रूट ऑफ जब मैं ट्वेल्व इंटू ट्वेल्व लिखता हूँ तो ये वन फोर्टी फोर होता है तो मैं इसको x इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ ट्वेल्व का होल स्क्वायर भी लिख सकता हूँ और बेसिकली स्क्वायर रूट का मतलब होता है पावर वन बाई टू तो x इक्वल टू ट्वेल्व स्क्वायर की पावर वन बाई टू मैं यहाँ एक कंसेप्ट जानता हूँ जब पावर के ऊपर पावर होती है तो उनका मल्टीप्लीकेशन हो जाता है तो ट्वेल्व की पावर 2 into 1 by 2, जो 2 से कैंसिल 2 हो जाएगा तो X equal to 12 meter आ जाएगा कि X क्या है है इन दोनों पोल्स के फीट के बीच की जो डिस्टेंस है ये X, ये हो जाएगी 12 meter और यही हमें पे करना है Thank you. से लेके, नीट आई आई टी जेन्स और एडवांस के लेवल तक दस मिलियन से ज्यादा स्टूडेंट्स का भरोसा आज हो सकता है आज डाउनलोड डाउट या व्हाट्सएप कीजिए अपने डाउट्स आठ चार सौ चार सौ चार सौ पर